गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग पूरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, हम इसको एक बार पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या बेसिकली चीज़ें पता होनी चाहिए। एडमिशन चैप्टर अभी हमने फिनिश किया, उसमें देखा हमने 8 to 9 क्लासेस लग गई। रिटायरमेंट उसका जस्ट अपोजिट है, बस आप बेसिक चीज़ें कुछ समझ लो जो क्वेश्चन से पहले हमें यूजफुल होगी, राइट। तो पहली चीज, फर्स्ट हमें क्या समझना है, रेशो कैलकुलेशन। रेशो मुझे क्या ध्यान रखना है, एक बार ध्यान समझो। तीन पार्टनर है मेरे पास, एक्स वाई जेड। सपोज करो एक जेड पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ध्यान से समझो, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर कर रहा है। तो एडमिशन दिमाग में है आपके, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, रिटायरमेंट उसका अपोजिट करना है। तो एडमिशन में आपको याद होगा कि एक पार्टनर आ रहा था तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब यहां पे एक पार्टनर जा रहा है, फर्म से जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या होगा, जल्दी बताओ, गेन होगा। तो हम क्या निकालेंगे, इससे पहली चीज इसमें हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। एक अपोजिट चीज हो गई, एडमिशन में क्या निकाला आपने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रिटायरमेंट एंड डेथ में क्या निकालेंगे हम, गेनिंग रेशियो। गेन रेशियो किसको होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को। जरूरी है दोनों को हो, जैसे वहां पे एडमिशन में कुछ रेशियो ऐसे केसेस थे किसी को सेक्रीफाइस ना होकर गेन हो जाता था, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, या तो दोनों को गेन हो गया या किसी एक को गेन हो गया। एंट्री नाउ, दूसरी चीज क्या है, एंट्री। यहाँ पे अब एंट्री यहाँ पे कम है, रीजन क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर जा रहा है उसे कैपिटल लाना तो है नहीं, एडमिशन में वो कैपिटल लाता था, और रिटायरमेंट में क्या होगा, उसको जो प्रीमियम है उसकी मेहनत है उसको हमें देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, या तो ऐसे याद रखो, या दूसरी चीज एंट्री याद रखो, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे सपोज करो एक्स वाई जेड को क्या हो गया, गेन हो गया, जेड जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड। यहाँ पे हमारे केस में जेड कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, और रिमेनिंग कौन कौन बचे, एक्स और वाई। या तो ऐसे याद रखो, या फायदा किसको हो रहा है, एक्स और वाई को हो रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अपना हिस्सा कौन दे रहा है, जेड। ये हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का। वहां पे एडमिशन में हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, यहाँ पे वो एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसको कैपिटल हम देंगे, फर्म उसको देगी। तीसरी चीज हम जो यहाँ पे बनानी है वो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम जैसे एडमिशन बनाते थे, रिवैल्यू एसेट्स लायबिलिटी होंगी, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझो, जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा वो एक्स वाई जेड तीनों में बटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ओल्ड पार्टनर है, तो जेड भी अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेके जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, फोर्थ, जो भी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका सेम ट्रीटमेंट करते आएंगे जैसे हमने किया था। क्या किया था हमने, हमेशा ओल्ड चीजें ओल्ड पार्टनर, क्या समझाता हूं मैं, ओल्ड चीजें ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे ओल्ड चीजें क्या है, ये सारी ओल्ड चीजें बैलेंस शीट में अपीयर है, और ओल्ड पार्टनर यहाँ पे क्या है, तीनों है, तीनों को आप उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। फिफ्थ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम तरीके से बनेगा, बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड जो उनको मिला, डेबिट साइड जो उनको देना है फर्म को। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान होना चाहिए, बैलेंस सीटी जो आप निकालते थे, यहाँ पे ध्यान से समझो, बैलेंस सीटी जो आप निकालते थे, यहाँ पे बैलेंस सीटी किसकी आनी है, एक्स और वाई की आनी, क्योंकि पार्टनरशिप कौन बचे, एक्स और वाई। जेड के तीन केस हो सकते हैं, ध्यान से समझो, जेड को या तो हम पूरे पैसे दे देंगे तो उसका आ जाएगा कैश अकाउंट, पूरी पेमेंट हो गई, या कुछ हम दे सकते हैं लोन में, मतलब कुछ पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिया और कुछ कैश दे दिया, या फिर सारा लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो तीन केस हो सकते हैं, सारा कैश, सारा लोन, या कुछ कैश कुछ लोन। अब ये जो लोन होगा, वो जो लोन होगा वो कहाँ आएगा, आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि लोन अभी हमें उसको पे करना है, हमने पे किया नहीं है। और ये जो कैश अकाउंट है जो आप पे कर रहे हो, जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम क्या कर देंगे, कैश बैलेंस में से माइनस कर देंगे। तो ये पूरा हमारे पास हो गया। लास्ट चीज हमारे पास क्या बचती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहीं पे समझा देता हूं, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, एसेट साइड नो चेंज, सारी एसेट्स जो रिवैल्यू हुए कैश आप यहां से माइनस कर देना जो आपने पेमेंट करी है। बाकी कैपिटल में अब क्या आएगा, कैपिटल में सिर्फ किसकी कैपिटल आएगी, एक्स और वाई की, और अगर जेड को लोन में ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे लोन अकाउंट आएगा, राइट। अब यहाँ पे रिटायरमेंट में ये समझना है, लास्ट है जो डिलीशन हुई है, जैसे कि रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना, लोन अकाउंट हमारे पास आता था लास्ट टू लास्ट है, बट इस बार भी लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट उन्होंने मना किया है। तो ये एक बार ओवरऑल हमने देख लिया कि चैप्टर में क्या आने वाला है, कैसे हम प्रोसीड करेंगे। इससे चैप्टर क्या होगा, सिंपलिसिटी हमारे माइंड में पूरा एक पिक्चर बन गई कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट। फिर हम लोग जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो इसको छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, पहले रेशो क्वेश्चन करेंगे, फिर गुडविल एडजस्टमेंट के करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन, फिर ओल्ड चीजें, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, राइट। चल, थैंक यू सो मच।